रिम्स में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, ऐसे में इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी विभाग में डॉक्टर और नर्सों की संख्या बढ़ा दी गई है। कोरोना वायरस के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अब हर दिन 12:30 बजे कोरोना को लेकर रिम्स के सभी पदाधिकारी और विभागाध्यक्ष मीटिंग करेंगे। तो रिम्स में ओपीडी की सेवाएं बंद कर इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी जाएंगी और जरूरी दवाओं की जो खेप है वो बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी में डॉक्टर और नर्सेस की संख्या भी बढ़ाई गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं संवाददाता सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, शहर पूरे राज्य में कल रात से ही लॉकडाउन हो चुका है, ऐसे में रिम्स में ये बताया जा रहा है कि अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी वार्ड खुले, इमरजेंसी विभाग खुली रहेगी, ओपीडी सेवाएं नहीं दे पाएंगी, दवाइयों के खेप क्या बढ़ा दिए गए हैं और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है बताइए। अब बिल्कुल अमिता, कल देर रात से ही जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य को, लेकिन ये फैसला जो है रिम्स प्रबंधन ने इससे पहले ही लिया था। कल दोपहर करीब 12 बजे विभागाध्यक्ष डॉक्टरों की बैठक हुई थी और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया था कि क्यों ना ओपीडी की जो सेवा है वो बंद कर दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग दूर दराज क्षेत्रों से रिम्स पहुंचते हैं तो काफी संख्या में भीड़ हो जाती है और वैसे में कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का खतरा बढ़ जाता है। तो डॉक्टरों ने एक बैठक की, महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसके बाद कई तरह की विषयों पर चर्चा हुई और उसके बाद यह मोहर लगाया गया कि ओपीडी की जो सेवा है वो बंद कर दी जाएगी और इमरजेंसी में डॉक्टरों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। साथ ही इंदौर में जो भी मरीज हैं उनका जल्द से जल्द इलाज कर उन्हें वापस घर भेज दिया जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना को लेकर डॉक्टर चिकित्सक काम कर रहे हैं, डॉक्टर चाहते हैं कि जो अन्य मरीजों में की सेवा कर डॉक्टर जो अपनी क्षमता करेंगे वो उस ऊर्जा को कोरोना के प्रति जो है वो कॉन्स्टेंट किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का जो एक शक्ति है वो डॉक्टरों को मिले। और साथ इसी को लेकर जो है रिम्स प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि ओपीडी सेवा जो है वो फिलहाल अनिश्चित काल तक स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल सत्यव्रत, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अब हर दिन वहां पर रिम्स के जो डॉक्टर्स है, विभागाध्यक्ष है, वो बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे। क्या लग रहा है कि इस मीटिंग में हर दिन मॉनिटरिंग भी की जाएगी? बिल्कुल, बैठक का जो निर्णय लिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यही है अमिता, कि हर दिन कोरोना को लेकर दोपहर में जो है बैठक की जाएगी। उस बैठक में रिम्स के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो रिम्स निदेशक हो, रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक हो, उपाधीक्षक हो, उन सभी की बैठक होगी। डॉक्टर, नर्स, विभागाध्यक्ष के जो प्रमुख रहेंगे, हर डिपार्टमेंट के विभाग के जो प्रमुख रहेंगे एचओडी, उनके साथ एक बैठक होगी और कोरोना को लेकर किस तरह से लड़ा जाए, क्या कुछ रिम्स में तैयारियां हैं, मरीजों की क्या संख्या है, कितने मरीज आ रहे हैं और क्या सुविधा और बढ़ाई जा सकती है, इन सभी चीजों को लेकर हर दिन जो है वो बैठक करने का निर्णय लिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, रिम्स प्रबंधन जिस तरह से लगातार कोरोना की गंभीरता को देखते हुए नए नए निर्णय ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे लग रहा है कि रिम्स प्रबंधन जो है वो शायद कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। चलिए सत्यव्रत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अब रिम्स में ओपीडी की सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित रहने वाली है, ऐसे में विभागाध्यक्षों के सुझाव पर जनहित में इसे लागू किया जा रहा है। आपको बता दें इमरजेंसी सेवाएं जो हैं वो दी जाएंगी, मात्र ऐसे में जो भी रिम्स के डॉक्टर्स हैं और विभागाध्यक्ष हैं वो लगातार कोरोना को लेकर मॉनिटरिंग करेंगे और उसको लेकर बैठक करेंगे।